हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो ये वीडियो है गाइस, एज पर द टाइटल होने वाला है मीशो हॉल। और आज की इस वीडियो में गाइस, मैं आप लोगों को शो करूंगी मीशो के बैग्स जो मैंने रिसेंटली मीशो से परचेज किए हैं, एंड दे ऑल आर वेरी अफोर्डेबल। ये चीज़ तो वैसे मुझे बोलने भी नहीं चाहिए, ये चीज़ हम सबको ऑलरेडी पता ही है कि मीशो पे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। तो ये जो सारे ही बैग्स हैं ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और इनकी जो क्वालिटी है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड सेकंडली गाइस, दे आर द ड्यूप ऑफ सम हाई एंड ब्रांड्स। आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज आई डोंट यूज़ हाई एंड ब्रांड्स, तो मुझे नहीं पता। बट मैंने कुछ इंस्टाग्राम पे रील्स देखे थे तो उन्होंने बताया हुआ था कुछ हाई एंड ब्रांड्स के ये ड्यूप्स हैं, तो मैंने ये परचेज किए। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू शेयर ऑल दीज बैग्स विद यू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर, गो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट बैग फॉर दिस वीडियो इज दिस, एंड दिस इज अ स्लिंग बैग। वैसे तो आपको इस वीडियो में ज्यादा सारे स्लिंग बैग ही देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो बैग है गाइस, मैंने परचेज किया था 413 रुपए में, एंड दिस इज इन ब्लैक कलर। और इसमें ना इकलौता यही वाला कलर अवेलेबल था, कोई और कलर इसमें नहीं था, तो मैंने यही वाला परचेज कर लिया। एंड दिस इज हाउ द बैग लुक। ये वाला बैग ना मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम रील पे ही डाला था, लाइक रील बनाया था इस बैग को अनपैक करते हुए, और सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों के भी ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस बैग के लिंक के लिए। तो दिस इज हाउ द बैग, एंड दिस इज फ्रॉम मीशो, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल गाइस। बहुत ज़्यादा चीज़ की क्वालिटी है, और ये चीज़ ना मुझे लग रहा है कैमरे में आपको दिखाई दे रही होगी कि इसकी ना क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा मटेरियल है, एंड इसके जो ये क्लोजर्स हैं ना, ये मैग्नेटिक क्लोजर्स हैं। एंड दिस इज हाउ द स्पेस लुक। इसमें अंदर की तरफ ये वाला जिपर भी दिया हुआ है, एंड दिस इज हाउ द बैग लुक गाइस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लाइक 413 रुपये में, 418 रुपये में इस तरह का बैग इज सो सो अफोर्डेबल। और इसकी क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बैग है। इसकी जो शेप है ना, ये भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी सी लग रही है। एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रैप जो इसके साथ में रिसीव हुआ था। मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ था। तो जब भी इसको क्रॉस बॉडी यूज़ करना होगा ना, तब इस स्ट्रैप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द स्ट्रैप लुक। तो इस वाली स्ट्रैप की जो क्वालिटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ना ऐसे खराब सी या बेकार सी क्वालिटी नहीं है, अच्छी खासी इसकी क्वालिटी है। और ये वाला बैग तो पर्सनली ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, दिस इज माई सुपर फेवरेट गाइस। इस हॉल में जो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे बैग है ना, वो यही वाला है, एंड आई जस्ट लव्ड इट गाइस। ये चीज़ आप ऑलरेडी देख सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड दिस इज जस्ट वर्थ द बाय। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैग है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट बैग फॉर दिस हॉल। तो अगला बैग है गाइस, दिस इज एट 284 रुपीज, एंड दिस इज हाउ दिस बैग लुक्स, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स इन वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। लाइक इसका जो प्रिंट है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिसका मटेरियल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा है। तो यहाँ पे ना इसके क्लोजर्स ये वाले हैं, लाइक दिस डू हैव दिस चेन क्लोजर्स, और ये इसका स्ट्रैप है जो बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे से ओपन अप हो जाता है। तो अगर आप इसको क्रॉस बॉडी करके पहनना चाहते हैं, लाइक यूज करना चाहते हैं, देन दिस विल गेट ओपन अप लाइक दिस। बहुत ही अच्छा खासा इसका स्ट्रैप हो जाएगा, और इसकी जो क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छी है। लाइक दिस इज जस्ट लाइक अ बॉक्स स्टाइल जो बैग होते हैं ना, बॉक्स स्टाइल ये बैग है, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी सारा सामान ना ये बहुत आराम से कैरी कर लेगा आपका। और बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल लग रहा था ये, मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी जो चेन्स है ना, जो जिपर्स हैं बेसिकली, इनकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दिस इज हाउ दिस सेकेंड बैग लुक ऑफ 284 रुपीज़ में। दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल बैग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा बैग है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, और इसका जो स्ट्रैप है ना, इज लाइक दिस। तो दिस इज हाउ द स्ट्रैप लुक। आई जस्ट लव्ड इट, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। आई जस्ट लव्ड इट। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट बैग फॉर दिस हॉल। तो जो अगला बैग है गाइस, दिस इज एट 331 रुपीज, एंड इसमें ना बहुत सारे ना कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक डू हैव अ नंबर ऑफ कलर्स। और इसमें से ना मैंने बीच कलर परचेज किया है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। लुक एट इट गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, दिस इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज हाउ इट गेट ओपन, और इसका जो ओपनिंग है ये मैग्नेटिक है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसमें बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है, अंदर की तरफ इसमें ये जिपर दिया हुआ है, एंड दिस इज हाउ द मटेरियल लुक। अच्छा खासा इसका मटेरियल है, बहुत ना ऐसे प्रीमियम सा तो नहीं है, लाइक दिस इज नॉट अ वेरी प्रीमियम मटेरियल, बट येट अगर आपको कोई ऐसा बैग चाहिए ना, जो बेज कलर में हो और जो अच्छी खासी क्वालिटी का हो, जो बॉक्स स्टाइल में हो, तो दिस इज हाउ दिस बैग लुक। इसका स्ट्रैप है, इसकी भी जो क्वालिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी है, और इसका जो स्ट्रैप है ना, अभी और भी ज़्यादा ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये क्रॉस बॉडी करके पहनना है ना, तो बहुत आराम से इसको आप क्रॉस बॉडी करके पहन सकते हो, उसको और ज़्यादा ओपन करके, एंड दिस इज हाउ द बैग लुक। तो इसकी जो क्वालिटी है ना गाइस, लाइक दिस, तो ना बहुत ज़्यादा से प्रीमियम सी तो इसकी क्वालिटी नहीं है, और वैसे भी गाइस 331 रुपीज़ में भी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ही प्रीमियम सी क्वालिटी होगी।
तो बहुत प्रीमियम तो उसकी क्वालिटी नहीं है, और मुझे ऐसा लगा था मैंने बेज कलर मंगाया तो इसलिए मुझे इसमें ना काफी ज्यादा से खामियां दिख रही थी। ऐसे होता है ना कोई डार्क कलर होता है तो उसमें इतनी ज्यादा चीजें पता नहीं लगती, बट इसमें ना मुझे एक एक चीज पता लग रही है, एक एक बारीकी पता लग रही है। बट येट अच्छा है, स्टाइलिश है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सेकंडली अगर आपको शौक है ना बहुत अलग अलग तरह के बैग्स रखने का, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ट्रेंडी लग रहा है, काफी ज्यादा अच्छा सा इसका लुक है और बहुत ही ज्यादा ना ब्यूटीफुल लग रहा था स्टाइल करने के बाद में। सो दिस इज हाउ द बैग लुक गाइस, एंड दिस इज सो सो अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन, लाइक बहुत ही बेकार सी क्वालिटी तो नहीं है बट येट बहुत प्रीमियम नहीं है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बैग फॉर दिस हॉल वेज, तो मुझे याद है ये वाला बैग मैंने 150 रुपए में परचेज किया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये वाला जो बैग है गाइस अभी हो रहा है 146 रुपीज का, मैंने 150 रुपीज में परचेज किया है, एंड दिस इज दैट वेरी ब्यूटिफुल स्लिंग बैग। इस तरह के बैग्स ना गाइस आपने बहुत सारे देखे होंगे, लाइक भर भर के देखे होंगे H&M में, तो आई एम वेरी श्योर क्योंकि वहां पे ना इस तरह के बैग बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। सो दिस इज हाउ द बैग लुक, और इसकी भी जो क्वालिटी है ना मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, लाइक 150 रुपए के हिसाब से तो ना इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से ना इसका कपड़ा इस तरह का है, लाइक दे डोंट हैव एनी ऐसा वाला ना कोई प्रिंट वगैरह या इस तरह का कपड़ा नहीं है, इस तरह का इसका ये मटेरियल है अंदर की तरफ से, और इसका जो जिपर है इज ऑल्सो सो नाइस, लाइक बहुत ही ना अच्छा सा, बहुत ही स्मूथ सा इसका जिपर है, एंड दिस इज हाउ द बैग लुक, बहुत ही ना ऐसा बेसिक सा जो ब्लैक बैग होता है ना, बहुत ही बेसिक सा ब्लैक बैग है, एंड येट वेरी स्टाइलिश, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ में ना बहुत आराम से पेयर हो जाएगा। एंड गाइस इसमें ना एक व्हाइट कलर भी अवेलेबल था, एक पिंक कलर भी अवेलेबल था, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगा मैं ना ब्लैक कलर मंगा लेती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्लैक कलर ना बहुत सेफर होता है, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ में ना बड़े आराम से चला जाता है। सो दिस इज हाउ दिस बैग लुक गाइस, एंड इसकी जो क्वालिटी है इज रियली नाइस, और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसका ये लुक है। एंड नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट आइटम, तो जो अगला आइटम है गाइस इज दिस, ये मैंने परचेस किया है 140 रुपीज में, ये इसका प्राइस याद है। सो दिस इज हाउ दिस बैग लुक, एंड दिस इज बेसिकली अ वॉश बैग जो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, लाइक इसमें इतना सारा स्पेस है और इसमें मैंने इतना सारा सामान रखा हुआ है, मैंने स्पेशली इस बैग में सामान रखा गाइस आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि इसमें कितना सारा सामान आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स गाइस, और आई डोंट इवन कैलकुलेट कि इसमें ना कितनी सारी चीजें हैं, इफ यू गाइस कैन बी एबल टू सी ऑन कैमरा, बहुत ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा सामान इसमें आ गया। अगर आपको कोई ऐसा बैग चाहिए ना जिसमें अगर आपके पास बहुत सारा सामान है तो वो सारा एक ही जगह आ जाए, देन गो फॉर दिस बैग। मैं जब इसको परचेज कर रही थी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा ये दिखा रहे हैं ना वैसा आएगा भी कि नहीं, फिर मैंने इसके ना रिव्यूज चेक करे, जो मीशो पे रिव्यूज होते हैं ना वो चेक करे, एंड देन आई गॉट टू नो कि ये वैसा ही आ रहा है, देन मैंने इसको परचेज किया, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड गाइस, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस वाले बैग से, और दिस इज गोइंग टू बी माई सुपर फेवरेट, लाइक मैं जहां भी जा रही हूँ ना आजकल इसी बैग को कैरी कर रही हूँ, बिकॉज इसमें मेरी सारा ही सामान रहता है, मुझे बहुत सारे ना छोटे बैग कैरी नहीं करने पड़ते। सो दिस इज हाउ दिस बैग लुक, और इसकी जो क्वालिटी है ना ये बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक बहुत ही ज्यादा ना सॉफ्ट सा, बहुत ही ज्यादा अच्छी सी क्वालिटी का ये बैग है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इसकी जो जिपर्स हैं दे आर सुपर फाइन, एंड आई जस्ट लव इट गाइस, बहुत अच्छा है, और 140 रुपए में दिस इज सो सो अफोर्डेबल गाइस, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। आई डोंट नो लाइक मैं इसको ना कैसे डिफाइन करूँ, बट दिस इज अ मस्ट 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 हैव प्रोडक्ट गाइस। जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना मीशो का, ये वाला मैंने वीडियो डाला था गाइस जिसमें मैंने मीशो हॉल किया था, और उसमें मैंने आपको मीशो की ना बहुत सारे ट्रेंडी आइटम्स दिखाए थे, जिसमें कि ये वाली जैकेट भी थी, ये वाली जैकेट इज सो गुड, बहुत ज्यादा अच्छी सी ये जैकेट है। जब मैंने इसका रिव्यू किया था ना मैंने आपको बताया था कि इसके स्लीव्स छोटे हैं, बट देन आई डिसाइडेड कि मैं इसको रख लेती हूँ, बिकॉज इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं होगी दोबारा फिर ये मुझे मिले ही नहीं, एंड सेकंड ना ये वाला कलर इसमें आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, तो फिर मैंने इसको वापस किया ही नहीं। इसके अलावा गाइस एक और चीज थी जो उस टाइम तक मुझे डिलीवर नहीं हुई थी, उस वीडियो में मैंने चीज आप लोगों को बताई थी कि ये वाली जो जींस है ये डिलीवर नहीं हुई है, जब भी डिलीवर हो जाएगी मैं नेक्स्ट हॉल में आपको दिखा दूंगी, तो अभी ये वाली जो जींस है ये डिलीवर हो गई है, एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ वेरी ट्रेंडी जींस, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है। सो सबसे पहले तो ना आप ये जींस देख लो पहले, तो दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड दिस इज वेरी ट्रेंडी, लाइक किसी भी हाई एंड ब्रांड में चले जाओ गाइस ये वाली जींस ना आपको बहुत आराम से मिल जाएगी, लाइक ये वाला जो पैटर्न है ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी ट्रेंडी पैटर्न, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है, आप सारा में लगा लो, H&M में लगा लो या किसी भी हाई एंड ब्रांड में लगा लो गाइस, ये वाला जो पैटर्न है ना ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी है। मेरे पास ऐसी एक और जींस है अर्बेनिक की, जो मैंने 1400 रुपए की या 1600 रुपए की कुछ ऐसे ही परचेज की थी, वो ब्लैक कलर में है और वो एग्जैक्टली ऐसी ही है, लाइक इसमें ना कोई भी डिफरेंस नहीं है, उसकी हाइट लेंथ पैटर्न सब कुछ ऐसा ही है। सो दिस इज हाउ दिस जींस लुक, और ये मैंने शायद परचेज की है 650 रुपए में या 652 रुपीज में, यहाँ पे ना पे कर दूंगी जितने मैंने ये परचेज की है,
तो ये वाली जो जींस है ना गाइज, दिस इज सो नाइस। इसका जो मटेरियल है इज सो गुड, काफी ज्यादा अच्छा सा ये मटेरियल है, बहुत ही ज्यादा ना अच्छी लग रही है पहनने के बाद में। और इसका जो वॉश है इज सो सो ब्यूटीफुल। जब ये जींस मुझे मिली थी ना मीशो पे, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी लगाई थी ताकि आप लोग भी इसको बाय कर पाओ। एंड दिस इज हाउ दिस जींस लुक गाइस। इसमें ना दो तीन कलर्स और भी अवेलेबल है, ग्रे है, ब्लैक है, आई सपोज एक डार्क ब्लू भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई बॉट इन लाइट ब्लू शेड। आप लोगों को वैसे पता होगा कि मुझे लाइट ब्लू कलर की जींस काफी ज्यादा पसंद आती है। सो दिस इज हाउ दिस जींस लुक गाइस। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है ना इज 30, बट इसमें आपको एक साइज अप करके परचेज करना पड़ेगा बिकॉज ये मुझे काफी ज्यादा टाइट हो रहा था। तो अगर आप ये वाला जींस परचेज करेंगे देन गो फॉर वन साइज बिगर, देन ये आपको अच्छे से फिट होगी। और इसका जो पैटर्न है ना इज वेरी ट्रेंडी, मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी पहनने के बाद में। इसकी जो लेंथ मुझे आ रही थी ये भी काफी कंप्लीट आ रही थी, लाइक बिल्कुल भी ना सिर्फ छोटी नहीं हो रही थी, एंड इट वॉज लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल गाइस। काफी ज्यादा अच्छे मटेरियल में, काफी ज्यादा अच्छे से स्टफ में, और इसमें ना कोई भी स्ट्रेचिबिलिटी भी नहीं है। लाइक मुझे ना इस जींस में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं लगी जिसकी वजह से मैं ये बोलूँ कि ये जींस ना इस वजह से अच्छी नहीं है। ये हर तरीके से ना बहुत अच्छी जींस है, आई जस्ट लव्ड इट सो मच। मुझे ना ये बहुत ज्यादा पसंद आई है, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप गाइज आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये कलेक्शन है जो मैंने आपको शो किया है, ये आपको जरूर 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 से पसंद आया होगा। एंड इफ यू गाइज लाइक इट देन प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोज। और इसी के साथ में गाइज मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट रिव्यूज के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।